हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आऊँ। ये वीडियो होगा हमारा नर्सरी विजिट का, और ये जो नर्सरी है मैं आपको पूरा लोकेशन बता दूंगा आपको। बट अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, ये जो नर्सरी है ये रोड साइड नर्सरी है, आपके शहर में भी होगा और ये हमारे शहर में भी है। हमारे शहर में ये जो स्ट्रीट है यहाँ पे पूरे प्लांट्स ही बिकते हैं, मतलब यहाँ पे प्लांट्स पॉट सब कुछ अवेलेबल है और बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल है। मतलब यहाँ पे जो प्लांट्स है वो बहुत वैरायटीज़ के आपको मिल जाएंगे, और बहुत हाई फाई प्लांट नहीं रहते यहाँ पे। यहाँ पे आपको इंडोर प्लांट्स और अभी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स ये सब आपके लिए अवेलेबल है। और मैं इसका लोकेशन बता दूँ, ये लोकेशन अगर आप भिलाई से हैं या दुर्ग से भी हैं तो अगर आप जी रोड हाईवे को फॉलो करते हुए आएंगे तो वहाँ से आपको आपको लेफ्ट हैंड साइड आपको टर्न करना होगा, फिर वहाँ से ही आपको दिख जाएगा। थोड़ा सा आगे अगर आएंगे, दक्षिण गंगोत्री जगह का नाम है, दक्षिण गंगोत्री में थोड़ा सा अंदर से भी आएंगे तो भी आपको मिल जाएगा, किसी से पूछेंगे तो भी बता देगा। और अगर आप जी रोड से आएंगे तो भी आप थोड़ा सा आगे आएंगे, वो होंडा शोरूम है उसके आगे से रास्ता मुड़ता है, तो वहाँ से ये आपको नर्सरी जो है रोड साइड पूरी मिल जाएगी। यहाँ पे प्लांट्स बहुत सारे हैं, सबके नेम वगैरह बता पाना तो मुश्किल है, तो मैं आपको बस पूरा वीडियो ही दिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिए, इस बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे को आप।
और अगर आप झरबेरा के शौकीन हैं तो यहाँ पे झरबेरा की बहुत ही अच्छी वैरायटी है। एंड ये वाला जो झरबेरा है वो काफ़ी अच्छे चलते हैं इन कंपैरिजन टू टिश्यू कल्चर वाले। और झरबेरा मैं लगाता हूँ, वैसे पहले मैंने काफ़ी झरबेरा कलेक्शन किया है अपने गार्डन में, पर झरबेरा के साथ ये इशू होता है ना कि वो बारिशों में ख़राब होने लगते हैं और मुझे इतना ज़्यादा जो प्लांट केयर करना पड़े मुझे थोड़े से कम पसंद है, तो इसलिए मैं इजी टू केयर वाले प्लांट ही ग्रो करता हूँ अपने गार्डन में। एंड मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़े से परमानेंट प्लांट और जो थोड़े सस्ते मिले, तो ऐसे कुछ प्लांट ही मैं ग्रो करता हूँ। और अगर आप विंटर गार्डन अभी भी शुरू करना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे प्लांट लेके आएँ जिसे आप बचा सकें, नहीं तो इस बार जो है गर्मी बहुत जल्दी पड़ रही है तो विंटर प्लांट्स लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा कि आपको पूरे वीडियो में दिखी रहा है कि विंटर प्लांट्स काफ़ी हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर हैं, कलरफुल हैं, और क्या होता है ना ये सब देख के लोग ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं प्लांट से, तो वो सब चाहते हैं कि अपने गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर कलर ऐड करें। देखिए अब ये टाइम चला गया है विंटर प्लांट लगाने का, और हार्डली इस मार्च में प्लांट ठीक रहेंगे आपके, फिर अप्रैल से ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको कुछ ऐसा रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे प्लांट लेके आएँ जो थोड़े हार्डी हो और जो परमानेंट प्लांट हो, वो आप लगाना शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो वो इंडोर सेक्शन के प्लांट ले आइए, या आपके पास अर्डेनियम से तो अर्डेनियम ग्रो कर लीजिए। आप रोज़ अभी भी लगा सकते हैं, और आप रोज़ को कोशिश कीजिए कि लोकल नर्सरी से ही परचेज़ कीजिए। और जैसे कि लोकल नर्सरी में आपको मिल जाएंगे प्लांट रोज़ के, जैसे कि एक क्लाइंबर रोज़ है, वाइट क्लाइंबर, तो आपको लोकल नर्सरी से ही प्लांट अभी ख़रीदना चाहिए। ऑनलाइन मंगाना आप अवॉइड कीजिए इस महीने में, तो खासकर अवॉइड कीजिए क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और इस बार का मौसम बहुत ही अलग सा रहा है। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है इन कंपैरिजन टू ठंड, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस वक्त आप अवॉइड कीजिए ऑनलाइन प्लांट मंगाना, आप लोकली ख़रीद लीजिए जाके। और ये हॉली हॉक का प्लांट है, काफ़ी यूनिक लगा मुझे, इससे मैं सोचा कि मैं बता दूँ पहले इसका नाम, हॉली हॉक का। अगर आपको डहलिया का शौक है, और डहलिया इस बार क्या हो रहा है कि खिले खिले मिल रहे हैं आपको और बहुत ही यूनिक यूनिक शेड मिल रहे हैं, तो आप ला के इनको सेव कर सकते हैं नेक्स्ट विंटर के लिए। आप ये काम कर सकते हैं कि डहलिया को ले आइए, या आप क्रिजेंथमम को भी ले आइए और उसे नेक्स्ट ईयर के लिए, आई मीन नेक्स्ट विंटर के लिए सेव कर सकते हैं। वो आप कर सकते हैं, और आप ये सोचेंगे कि इस मौसम में ला के इनको ग्रो कर लिया जाए, तो अभी बहुत कम वक्त बचा हुआ है। आप सेव करने के मकसद से ही लेके आइए प्लांट को, और सेव कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको कलर पता रहेगा कि आपकी गार्डन में अगले बार कौन सा कलर खेलने वाला है। यहाँ पे फ्रूटिंग प्लांट्स भी अवेलेबल है, लाइक लेमन का प्लांट, आपको चीकू भी मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे सपूता कुछ कहते हैं, वो भी मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, परमानेंट प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट्स, और अभी 9 o'clock के प्लांट भी आना शुरू हो गए हैं, और 9 o'clock मुझे थोड़ा सा पसंद है इसलिए कुछ मैंने 9 o'clock के प्लांट भी लिए हैं। तो बस आप वीडियो को देखते रहिए और इस खूबसूरत से खूबसूरत फ्लावर्स को एंजॉय कीजिए। और अभी आप रोज़ के प्लांट भी ले आइए, रोज़ के प्लांट भी अभी लाएंगे तो आपके प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे, क्योंकि मौसम अभी थोड़ा गर्म हो गया है। और अब बस बारी है इन प्लांट को बचाने की, आप किस तरीके से बचा पाते हैं वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और बस यही है, यहाँ पे वही सब पौधे हैं जो नॉर्मली हर नर्सरी में अवेलेबल रहते हैं। बहुत खास वैराइटीज़ आपको थोड़ी सी कम मिलेगी यहाँ पे, लेकिन आपको प्लांट बहुत मिल जाएंगे, मतलब विंटर के प्लांट्स तो आपको बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे। और यहाँ पे एक दादाजी जो है वो पॉट वगैरह भी बेचते हैं, उनके पास पॉट बहुत ही अच्छे रहते हैं, बहुत ही अच्छे कंटेनर्स उनके पास रहते हैं, तो आप कभी भी भिलाई दुर्ग से हैं और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इनसे पॉट वगैरह ज़रूर लीजिएगा। ये गमलों में प्लांट लगा कर भी दे देंगे आपको, क्योंकि इनके पास जो है पॉट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, प्लास्टिक के, सीमेंट के, एंड मिट्टी के पॉट भी इनके पास अवेलेबल हैं। अगर आपको पॉट चाहिए बड़े से बड़े साइज़ का एंड छोटा, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और ये इतने अच्छे हैं कि आपको लगा के भी दे देंगे, मैंने इनसे बात किया है तो ये बोलते हैं कि ये लगा कर भी दे देते हैं, इनके पास मिट्टी खाद सब कुछ अवेलेबल रहता है, तो सब कुछ मिक्स करके आपको प्लांट रेडी करके भी ये दे देते हैं। तो ये कुछ नर्सरी विजिट था, रोड साइड नर्सरी। अक्सर मैं अपने प्लांट्स की शॉपिंग और प्लांटर्स की शॉपिंग यहीं से करता हूँ, मोस्टली मैं प्लास्टिक के पॉट ही यूज़ करता हूँ, मैं सीमेंट के या मिट्टी के थोड़े कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि रखने में बहुत इजी हो जाता है प्लास्टिक के पॉट्स इन कंपेरिजन टू सीमेंट और मिट्टी के पॉट्स को। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड हाँ कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।